इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो टैंक है वो बस में जो भीड़ होती है तभी जो टैंक बस उतरता है, स्टॉप पे जो खड़ा होता है तभी जो है वो सामने देखता है। वो सामने देख के शॉक्ड होता है, वो खुश भी होता है क्योंकि सामने जो है प्रोफेसर बाई होता है। और टैंक खुश होकर कहता है कि बॉस बाई, और बॉस बाई जो है वो भी टैंक को ऐसे देख रहे होते हैं। तो टैंक जो है अपना सामान छोड़ कर वहीं पर भागते हुए आता है और बॉस बाई को जो हक करता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तो जो है बॉस बाई भी हक करते हैं और टैंक से पूछते हैं कि अच्छा तुमने कुछ खाया? तो जो टैंक है वो कहते हैं कि जो है मैं बस में था ना, तो इसलिए मैं कुछ खा नहीं पाया। हाँ, तो टैंक जो है इधर उधर देखते हैं तभी जो उसे एक स्टोर दिखता है। तो जो है टैंक कहता है कि रुको, मैं जो है अभी अपने खाने के लिए सैंडविच लेकर आता हूँ। और जा रहा होता है तभी जो है वो बॉस भाई से पूछता है कि बॉस भाई आपको कुछ चाहिए? हाँ, तो ये सुन के जो है जो प्रोफेसर भाई है वो स्माइल करते हैं क्योंकि जो पर्सन जो है हमेशा दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करता है, दूसरों के लिए हर चीज़ करता है, अगर उस पर्सन के लिए कोई थोड़ा सा भी कर देना वो पर्सन हमेशा खुश हो जाता है। तो प्रोफेसर भाई स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ मुझे एक कॉफ़ी चाहिए। तो टैंक कहते हैं ओके, स्माइल करके कहते ठीक है मैं अभी लाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो जा रहे होते हैं, टैंक कार में बैठा होता है, प्रोफेसर भाई जो ड्राइवर को कहते हैं कि प्लीज़ आप दोबारा होटल लेके चलिए। तो अब जो है हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग पहुँच गए होते हैं और होटल के अंदर वो लोग जा रहे होते हैं अपने रूम की तरफ। तभी जो है टैंक कहता है कि बॉस भाई आपने बोला था ना कि ये जो आपको होटल पे आपने रूम लिए ये सब जो है कॉलेज की तरफ से जो पैसे दिए गए उन्हीं में से है ना, तो बाकी लोग भी यहीं पे होंगे। तो टैंक जो बॉस भाई है वो कहते हैं हाँ बाकी सब भी यहीं पर है जो मेरे साथ आए हैं। तो ये सुन के जो है टैंक कहता है क्या अगर हम दोनों को ऐसे किसी ने साथ में देख लिया तो क्या होगा? तो इसके प्रोफेसर भाई कहते हैं क्या हो गया, अब वैसे भी तो तुम जो है रिसर्च स्टूडेंट ही हो ना, अब यहाँ पे तुम आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। था भी जो टैंक है वो स्माइल करता है और कहता है ओ हम दोनों एक ही रूम में वो भी अकेले। तो प्रोफेसर भाई जो कहते हैं हाँ कंपनी का पैसा बचाने के लिए, और वैसे भी मैं चाहता तो अलग रूम ले सकता था लेकिन फ्लोर जो है वो अलग अलग है। तो टैंक कहता है कि सिर्फ हम ही दोनों यहाँ पे क्यों? तभी जो है प्रोफेसर भाई रूम के अंदर जाते हैं और टैंक को भी खींचते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? और ये देखिए जो टैंक भी शॉक्ड हो जाता है और जो है उस होटल रूम का गेट बंद हो जाता है। फिर हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो है जो प्रोफेसर भाई है वो टैंक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और टैंक नर्वस होता है। फिर जो है बॉस भाई और टैंक के बीच किस होता है और इसी के साथ उन दोनों के बीच जब बहुत सारे हॉट सीन्स होते हैं। तभी जो है प्रोफेसर भाई रूम के गेट पे लॉक लगा देते हैं कि प्लीज़ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे बियर की बॉटल जो है वो टैंक खोलता है और प्रोफेसर भाई को देता है कि बॉस भाई ये लो बियर। तो जो है बॉस भाई उससे वो बियर ले लेते हैं। तो टैंक जो है अपना बियर पी रहा होता है, हम टैंक की बॉडी पे कितने सारे मार्क है वो देख सकते हैं। तभी जो है टैंक उस भाई की तरफ देखता है और जो है बॉस भाई वो ड्रिंक नहीं कर रहे होते। तो ये देख के जो है टैंक कहता है कि बॉस भाई, तो प्रोफेसर भाई टैंक की तरफ देखते हैं और टैंक जो है वो कहता है कि क्या आपको बियर पीना पसंद नहीं है? और कहते हैं कि मेरे हिसाब से मैंने तो आपको बियर पीते इससे पहले देखा नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पीना तो आप मत पियो, लाओ ये मेरे को दे दो, आपको जो है अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर टैंक जो बॉस भाई वो कुछ नहीं कहते, वो मन में सोचते हैं कि जो है वैसे भी मुझे जो है ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मेरी वाइफ पीती थी इसलिए मैं उसे ज्वाइन करता था, और मुझे जो है सिगरेट पीना भी पसंद नहीं है, पर मैंने टैंक को पीते हुए देखा तो भी मैंने सोचा कि मैं भी पी लेता हूँ। और एक प्रोफेसर भाई अपने आप को मिरर में देखते हैं और कहते हैं कि मेरे हिसाब से मैं जो है दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता, दूसरों के चीज़ों को देखते हुए उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, दूसरों की फीलिंग को मैं समझने के चक्कर में ये मैं तो यही भूल ही गया कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो प्रोफेसर भाई जो टैंक की तरफ देखते हैं, टैंक जो ड्रिंक कर रहा होता है, मन में सोचता है प्रोफेसर भाई कि ये पहली बार है कि किसी ने जो है मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। प्रोफेसर भाई सोचते हैं कि क्या मैं इसको बोलूँ कि जाके अभी मेरे लिए बियर लेकर आए, हाँ लेकिन ये फिर ना वही पैसों पे लग जाएगा। मुझे जो है लगता है ना कि मुझे जो है टैंक को ये सिखाना चाहिए कि अगर बिना पैसों के भी हम सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तभी जो है बॉस भाई जो है टैंक को देखते हैं, जो कि टैंक बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, और प्रोफेसर भाई जो है वो टैंक को ऐसा देख के कहते हैं कि अच्छा है कि ये ड्रंक हो गया है।
अब इसे जो लेसन मुझे सिखाना है ना, इसे जो है मैं बाद में सिखाऊंगा। तभी हम देखते टैंक बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और जो है बॉस भाई के पास कहते हैं कि मुझे जो है कुछ खाने के लिए और बियर चाहिए। तभी जो है बॉस भाई टैंक को पकड़ते हैं और उससे बियर की बॉटल लेते हैं और कहते हैं कि कल हम उठेंगे तब हम करेंगे, खाएंगे, ठीक है, लंच करेंगे। तभी हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जो टैंग उठता है और अपने हाथ को इधर उधर देखता है और उठकर बैठता है और कहते हैं ये तो दोपहर हो गई। तभी अपने फ़ोन को चेक करता है और मन में सोचता है कि दोपहर हो गई, हो सकता है बॉस भाई ने अपना काम जो है कंप्लीट कर लिया हो। तभी जो है टैंग बॉस भाई को कॉल करता है और कहता है कि डार्लिंग अब कहाँ पे हो। तो जो बॉस भाई है वो कहते हैं कि तुम उठ गए, चलो जो है 18th फ्लोर पे आ जाओ, हम लंच करते हैं। तो ये सुन के जो है टैंक कहते हैं कि हम दोनों, तो बॉस भाई कहते हैं नहीं मेरे साथ जो है चाइनीज़ कंपनी के भी लोग हैं। तो ये सुन के जो है टैंक कहता है कि अच्छा हाँ तो चाइनीज़ कंपनी है तो क्या मैं फॉर्मल कपड़े पहन लूँ, क्योंकि वो लोग जो है आज आपसे मिलके कल आपकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे ना। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि टैंक जो है फॉर्मल कपड़े पहन के 18th फ्लोर पे आ जाता है। तभी जो है बॉस भाई जो है टैंक की तरफ हाथ हिलाते हैं कि इधर आ जाओ। तो टैंक जो है वो कहता है हाँ 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 मैं आ गया। तभी जो है टैंक बॉस भाई के पास जाके खड़ा होता है और बॉस भाई जो है इंट्रोडक्ट करवाते हैं चाइनीज़ कंपनी के होल्डर से जो कि मालिक है। कहते हैं कि सर ये वही स्टूडेंट है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तभी जो है टैंक और वो जो पर्सन है दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो जो पर्सन है वो टैंक को देख के जो है टैंक का नाम लेते हैं। हाँ और जो टैंक है बिल्कुल घबराते हुए कहते हैं कि डैड। फिर जो है जो टैंग और उसके डैड जो है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये सिर्फ बॉस भाई देख के बिल्कुल शॉक्ड होते हैं और मन में सोचते हैं कि क्या अभी इस लड़के ने क्या बोला है, अब इस लड़के ने डैड बोला है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये जो पर्सन है ये चाइनीज़ जो कंपनी है रोबोटिक कंपनी के जो है मालिक है होल्डर है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना ये इन्हें डैड कहेंगे। और तभी जो है प्रोफेसर भाई जो है वो कहते हैं कि हाँ एक सेकेंड, पर मुझे जो है टैंग ने बताया क्यों नहीं कि जो उसकी जो फैमिली है वो रोबोटिक इंडस्ट्री से है। तभी जो है टैंक के फादर कहते हैं कि एक टैंक तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम जो है प्रोफेसर भाई के स्टूडेंट हो। हाँ वैसे तो जो प्रोफेसर भाई हैं वो जल्दी अपना स्टूडेंट किसी को बनाते नहीं हैं। हाँ तो ये सुन के जो है टैंक कहते हैं कि वो डैड मुझे जो है मॉडल के बारे में पता है और थोड़ा है भी स्टडी उडी का। अच्छा तो तभी जो है उसके डैड के बगल में एक लेडी बैठी होती है और कहती है हे टैंक कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, हाँ तुम बहुत बड़े हो गए। तभी जो है टैंक स्माइल करके कहता है कि आंटी बोंग आपने अभी भी अपनी फिगर को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तभी हम देखते हैं कि टैंक और जो मिस्टर भाई है वो चेयर पे बैठते हैं। तभी जो उनके बगल में एक पर्सन बैठे होते हैं जो कि टैंक के डैड के साथ ही उनकी कंपनी में काम करते हैं, वो कहते हैं कि उसने हमें बताया था कि उनके जो बेटे हैं वो जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि जो उनके बेटे हैं वो प्रोफेसर भाई के स्टूडेंट भी हैं। और इसमें टैंक जो स्माइल भी करता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो लोग बैठे होते हैं तो टैंक जो है अपने जो हाथों को प्रोफेसर भाई के पैरों पे रखता है और क्या तो प्रोफेसर भाई जो है टैंक को देखते हैं तो जो है टैंक जो है वो कहता है कि प्लीज़ धीरे से बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बचाओ बचाओ इन सब चीज़ों से मुझे निकालो। तभी जो है ये देख के प्रोफेसर भाई जो है थोड़ा सा स्माइल करते हैं। तभी जो है प्रोफेसर भाई जो है मेन्यू लेते हैं खाने का और सबको बोलते हैं कि हे ये देखो जर्मनी की ये बहुत ही अच्छी डिश है, क्या आप लोग ट्राई करना चाहते हो इसे। तो ये चीज़ देख के जो है जो टैंकी डैड है वो कहता है कि हाँ एक अलग जर्मनी की डिश है तो ट्राई करने में क्या है, चलो एक बार जो है इसे हम ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ देख के जो है टैंक जो है प्रोफेसर भाई को देखता है और वो कहता है कि आप मेरे गॉड हो, बिल्कुल गॉड की तरह उन्हें जैसे देख रहा होता है। हाँ हाँ तभी हम देखते हैं कि उनका ऑर्डर आ गया होता है। तो जो है जो टैंक के डैड है वो प्रोफेसर भाई से बोलते हैं कि टैंक स्टडी में कैसे ये तो आपको परेशान करता होगा ना। तो जो है प्रोफेसर भाई स्माइल करके कहते हैं कि नहीं ठीक ही है ये। और मन में सोचते हैं कि ये इसने अपनी फर्स्ट क्लास जो इसने मिस करी थी, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका इसके आंसर नहीं होता, इसका जो होमवर्क होता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, एक बार ही अपनी क्लास में अपना बैग ही लाना भूल गया। हाँ और ये क्लासेस भी बहुत ज़्यादा स्किप करता है। फिर भी जो है स्माइल करके उसके डैड को प्रोफेसर भाई कहते हैं कि हाँ ये ठीक है अच्छा कर रहा है। ये चीज़ देख के जो है टैंक के डैड कहते हैं हाँ अच्छा, पर जहाँ तक मुझे पता है कि जो है टैंक को चाइनीज़ बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं है ये सब स्टडी करना। फिर सुन के जो है टैंक मन में सोचता है रियली डैड सच्ची में
हाँ तभी जो है जो आंटी है वो 10 के बारे में बताने लग जाती है कि 10 ने पहले ऐसा किया था ऐसा किया था। फिर उसके डैड भी जो है 10 के बारे में बताते हैं, और उनके उसके जो अंकल है और भी जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ 10 के बारे में बता रहे होते हैं, क्योंकि पता ही है अगर हम कहीं जाएँ और हमारी फैमिली हो और हम वहाँ पहुँच जाएँ गेस्ट के साथ, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो गेस्ट के सामने हमारी बातें स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब देख के जो है 10 बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। दोबारा जो है प्रोफेसर भाई के जो है वो पैरों पे हाथ रखता है, प्रोफेसर भाई जो है टैंक को देखते हैं। तो फिर से जो है टैंक जो है प्रोफेसर भाई को धीरे से कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे फिर से बचाओ और इस टॉपिक को चेंज करो। तो प्रोफेसर भाई जो है दूसरी तरफ देखते हैं, तो टैंक खुश हो जाता है और थैंक यू बोलता है। लेकिन जो है प्रोफेसर भाई जो कहते हैं अच्छा और फिर क्या किया टैंक ने, और फिर उसके डैड बताते हैं ये किया। और ये चीज़ देख के टैंक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि टैंक को लगता है कि प्रोफेसर भाई इस बार भी उसे बचाने वाले हैं। लेकिन प्रोफेसर भाई तो आराम से जो है टैंक की बातें सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनसे पूछे जा रहे हैं, और ये चीज़ देख के टैंक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आप इसका गुस्सा खाने पे देख सकते हैं कैसे निकाल रहे हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।